नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में राजनीति की बात हो और हम जाति की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इसलिए जाति की बात करते हैं क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने तमाम जो राजनीतिक रणनीति बनाते हैं वह सब जातियों के इर्द गिर्द भी बनाते हैं। और ऐसे में इस बार वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने भी बिहार में जातियों को साधने की एक बड़ी रणनीति बनाई है। और इसमें इस बार कांग्रेस के निशाने पे जो जातियां हैं, यानी कि कांग्रेस की सियासी नैया को पार कराने वाली जिन जातियों पर कांग्रेस ने भरोसा किया है, उसमें सवर्ण समुदाय की तमाम जातियां हैं। और विशेषकर बिहार के भूमिहारों पर तो कांग्रेस इस कदर मेहरबान हुई है कि कांग्रेस ने मानो तय कर लिया है कि बिहार में अगर उनकी राजनीतिक नैया वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पार लगनी है तो इसके लिए बिहार के भूमिहारों का मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। और स्थिति है कि कांग्रेस ने अपने 39 जिलाध्यक्षों के नाम की जो सूचना जारी की है उस सूची में बड़े स्तर पर भूमिहारों पर दाव खेला गया है। साथ ही साथ तमाम सवर्ण समुदाय, यानी कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो या फिर अन्य हो, उन सबको कांग्रेस ने खुले दिल से गले लगाया है। और इतना ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी कांग्रेस ने अपनी मेहरबानी दिखाई है। दरअसल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने 39 संगठनात्मक जिला के अध्यक्षों के नाम की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा में सवर्णों को खूब तरजीह दी है। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जिलाध्यक्ष सवर्ण समुदाय से हैं। संयोग से बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह भी मौजूदा समय में सवर्ण जाति से ही आते हैं, यानी कि वे भूमिहार जाति से आते हैं। और अब उन्होंने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी सवर्णों पर जमकर दाव खेला है। दरअसल जिन 39 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने की है उसमें 11 जिलों में भूमिहार को, में ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावे 6 जिलों में राजपूत समाज के लोग जिलाध्यक्ष बने हैं। यह सभी सवर्ण समुदाय से आते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक, यानी कि अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम बिरादरी है उस पर भी मेहरबानी दिखाई है और 5 मुस्लिमों को जिलाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावे तमाम जातीय समीकरणों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने 4 यादव, 3 दलित चेहरे को भी इन जिलाध्यक्षों की सूची में शामिल किया है। वहीं कास्ट और कुशवाहा समाज से 1-1 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस ने जिन 39 जिलों में अध्यक्षों की सूची जारी की है उसमें 2 महिला हैं, यानी कि 39 में सिर्फ 2 महिलाओं पर ही कांग्रेस ने दाव खेला है। दरअसल कांग्रेस ने जिन जगहों पर बड़े स्तर पर ये जो फेरबदल किया है उसमें तमाम सवर्णों को बड़े स्तर पर साधने की कोशिश की है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि मौजूदा समय में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह भूमिहार जाति से हैं, तो वहीं अगर मौजूदा समय में कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं पर देखिएगा तो बिहार विधान परिषद में जो नेता हैं कांग्रेस के वे हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, यानी कि ब्राह्मण जाति से आने वाले और सवर्ण समुदाय से आने वाले। वहीं बिहार विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं वे भी सवर्ण हैं, वे भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस में मौजूदा समय में भूमिहारों का सर्वाधिक दबदबा देखा जा सकता है। पार्टी की भूमिहार सहित सवर्णों पर इस मेहरबानी के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सवर्ण वोटों को अपने पाले में करने की रणनीति कांग्रेस की हो सकती है। दरअसल मौजूदा समय में बिहार में भाजपा के पक्ष में बड़े स्तर पर सवर्ण वोटों का झुकाव देखा जाता है, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि बिहार के सवर्ण भाजपा से काफ़ी खुश हैं, बल्कि सवर्ण समुदाय तो चाहता है कि वह एक बेहतर राजनीतिक विकल्प मिले। और ऐसे में उसी विकल्पहीनता का पर्याय बनने के लिए कांग्रेस अब सवर्णों पर डोरे डाल रही है। साथ ही साथ 5 मुस्लिम जिलों के अध्यक्षों को बना करके भी पार्टी ने अल्पसंख्यक वोटों पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। दरअसल बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय के सहारे अपनी राजनीति चमकाते रही है। लालू का यही MY समीकरण पिछले 33 वर्षों से बिहार की राजनीति में उन्हें सफल बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को जदयू के लवकुश, यानी कि कुर्मी कुशवाहा की पार्टी के तौर पर देखा जाता है। साथ ही मुसलमानों को भी नीतीश साधते रहे हैं। बिहार में सक्रिय अगर हम अन्य दलों की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास मुख्य रूप से पासवान वोटों को अपना आधार बनाकर राजनीति करती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान युवा मोर्चा खुद को दलितों की पार्टी के तौर पर पेश करती है, लेकिन मुख्य रूप से मुसहर समुदाय में हम कई पैठ रहती है।
ऐसे में कांग्रेस बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे बड़े दाव के रूप में सवर्णों को साधने की कोशिश में दिखती है। पार्टी ने 39 जिलों में से 2 दर्जन से अधिक सवर्णों और 5 मुसलमानों को अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी बड़ी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में उतरेगी और इसमें कांग्रेस की राजनीतिक नैया पार लगे इसके लिए बिहार के सवर्णों पर डोरी डालने की बड़ी तैयारी में है। जैसा मैंने आपको बताया कि 11 जो हैं जिलाध्यक्ष वो केवल भूमिहार समुदाय से आते हैं और मौजूदा समय में चाहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो वे भी भूमिहार से समुदाय से हैं। अगर जो बिहार विधानसभा में नेता कांग्रेस की हम बात करें तो अजीत शर्मा भी भूमिहार हैं। इतना ही नहीं, बिहार विधान परिषद में जो नेता कांग्रेस हैं और डॉक्टर मदन मोहन झा वे भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो तमाम सवर्णों को एक साथ साधने के लिए कांग्रेस ने ये एक बड़ा दाव खेला है और मौजूदा समय में बिहार में जितने राजनीतिक दल सक्रिय हैं उन सब में अगर भूमि सबसे ज़्यादा सवर्णों को और सबसे ज़्यादा भूमिहारों को किसी दल ने मौजूदा समय में तरजीह दी है तो देखा जा सकता है कि उसमें कांग्रेस फिलहाल नंबर 1 पर है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि सवर्णों को साध करके राजनीतिक में अपने आप को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जो यह चाल चली है क्या वर्ष 2024 में उनकी यह रणनीति सफल रहती है या फिर परिणाम कुछ अलग होता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं वह दिल्ली के दरबार में अपने आप को कांग्रेस को स्थापित करने में सबसे अहम होगी और ऐसे में बिहार का सवर्ण समुदाय क्या अब कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर वह भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल को साथ जाता है, यह देखना आगे आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण होगा।